हमारे सभापति आदरणीय श्री रामपाल जी सोनी ने मुझे विषय दिया है, बदलता परिवेश, हमारी सृष्टि और हमारी दृष्टि। विषय बहुत विशाल है, किंतु चर्चा कितनी भी की जाए, सार की बात बहुत थोड़ी सी है। मैं चाहता हूं कि जी आपका साक्षात्कार उन परिस्थितियों से कराऊं जिन्हें समझना और देखना बहुत जरूरी है। एक न्यायाधीश के रूप में मैं एक प्रार्थना प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही करता था, और मैं समझता हूं कि प्रार्थना केवल एक न्यायाधीश के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के लिए आदर्श है। तीन पंक्तियों की अंग्रेजी की प्रार्थना है, ओ गॉड ग्रेंट मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। हे परमेश्वर, मुझे धैर्य जनित शांति स्थित प्रज्ञता दे कि जो अपरिवर्तनीय है, अवश्यम भावी है, उसे मैं स्वीकार करके शिरोधार्य कर सकूं। साहस और शक्ति दे कि जो बदल सकता है उसे बदल डालूं, और ऐसी निर्मल विश्लेषक बुद्धि दे कि इन दोनों का अंतर जान सकूं। समस्या भी, समाधान भी, और आगे के लिए परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थना भी। प्रार्थना की ये चार पंक्तियां मनुष्य का विवेक जागृत रखती हैं और उसकी ऊर्जा को दिशा देती हैं। जिस विषय पर मैं आज आपके समक्ष चर्चा करना चाहता हूं, वो विषय चाहता है कि हम माता प्रकृति जिसकी गोद में आजीवन खेलते हैं उसकी महत्ता को पहचाने, उससे प्रेम करना सीखें, समाज और सामाजिक परिवेश को समझें, परिवर्तन की प्रक्रिया के पार्थ बने और अपने दृष्टि को दिव्यता प्रदान करें ताकि हमें सृजन का श्रेय मिल सके। आध्यात्म दर्शाए चार आधारभूत तत्वों का समावेश इस प्रार्थना में है, स्वीकार, समर्पण, संघर्ष और संतुलन। स्वीकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। समर्पण, प्रभु मैं जैसा भी हूं तेरा हूं, तू मुझे जैसा रखना चाहे रख, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रहिए। संघर्ष, चुनौतियों से मैं कभी घबराऊं नहीं, तेरे दिए शरीर मन और बुद्धि का प्रयोग, तेरी दी हुई शक्ति और सामर्थ्य के सहारे मानव मात्र के कल्याण के लिए करता रहूं, पीछे नहीं हटूं। मैं जानता हूं कि मुझे एक दिन लौटकर तुझे जवाब देना है। संतुलन, तेरे संसाधनों का मैं उतना ही उपयोग करूं जितना आवश्यक है, और शेष संसाधनों का प्रयोग प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपलब्ध कराने में मैं साधन बनूं, साधक बनूं, बाधक नहीं। पर्यावरण और प्रदूषण, विज्ञान ने इस तथ्य को प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की शक्ति और घटित होने वाली सारी घटनाओं का पर्यावरण से गहरा संबंध है। प्रकृति के साथ हमने जो अत्याचार किया है उसकी एक झलक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अंग्रेजी की एक कहावत है कि नेचर हैज इनफ टू मीट अवर नीड बट नॉट अवर ग्रीड। अंधाधुंध औद्योगीकरण, शहरीकरण और विलासता के साधन जुटाने की होड़ में नैसर्गिक स्रोतों का क्षमता से अधिक दोहन हुआ है। जंगल मिट रहे हैं, पेड़ पौधों और जानवरों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, पृथ्वी पर उष्णता बढ़ रही है जिसके भयावह और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। विश्व का जो पीने का पानी है, शुद्ध पीने का पानी, इसका 70% पानी ग्लेशियरों में सुरक्षित है, किंतु जो विश्व में गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग,
उसका परिणाम ये हो रहा है कि हिमालय के ग्लेशियर जो गंगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र को पानी देते हैं उनकी ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 से 3 मीटर घटती जा रही है। और एक वैज्ञानिक परिणाम के अनुसार गंगा नदी में पानी की इतनी न्यूनता आने वाली है कि जिस गंगा को हम अपना जीवन मानते हैं, पाप विनाशनी मानते हैं, इस सदी के अंत तक वर्ष 2100 में यदि यही हालात रहे तो गंगा नदी सूख जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तल जो पानी है वो 2 से 3 मीटर ऊंचा हो जाने की संभावना है और इसके कारण तटवर्ती प्रदेशों में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो सकता है। हमारे देश में पिछले 5 साल में कैंसर के रोगियों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हो गई है। कारण यह है कि हरित क्रांति के नाम पर जमीन में डाले जाने वाले रासायनिक उर्वरक, खाद्यान्न और फलों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक, इन दोनों का अनियंत्रित प्रयोग और भारी धातु उद्योगों का कचरा, इन तीनों के मिश्रण ने पानी को खतरनाक रूप से प्रदूषित कर दिया है। बच्चों के हाथ और अंगुलियों पर चकत्ते उभरने लगे हैं, खुजली होने लगी है, नाखून और बाल कमजोर हो रहे हैं। आज हम पीने का पानी बोतल में खरीदते हैं, वो दिन दूर नहीं है जब लेने के लिए श्वास शुद्ध वायु के गुब्बारे हमको खरीदना पड़ जाएंगे और तब हमारे फेफड़ों को शक्ति देने के लिए हमें शुद्ध वायु मिल पाएगी। ये तो हुआ प्रकृति और पर्यावरण। मैं 2 बातों की चर्चा विशेष रूप से आपसे करना चाहता हूं कि महिला उत्थान या महिला में जागृति जो जागरण हुआ है इसका स्वागत तो निस्संदेह किया जाना चाहिए। रमेश जी मर्दा ने कल कहा, स्वामी जी ने भी कल कहा, किंतु इस प्रगति का मूल्य जो हमें चुकाना पड़ सकता है उसके लिए भी हमें तत्पर होना चाहिए। शिक्षा, व्यापार, उद्योग, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से दावेदारी जता करके अपनी पहचान और अपनी गुणात्मक पहचान बनाई है। इस प्रगति को न तो हम रोक सकते हैं न रोकना चाहिए। और एक बात कहूं, यदि रोकने की कोशिश भी की तो सफल नहीं होंगे। एक चुनौती है हमारे सामने, मैं पुरुष वर्ग से कहना चाहता हूं, और इसका बड़ा छोटा कारण है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो लगभग 1200 से 1500 वर्षों का हमारे ऊपर मुगलों का और अंग्रेजों का शासन रहा है, इस समय में हमारे जो सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण हुआ है, क्षरण जो न्यूनता आई है, इसका परिणाम यह हुआ कि पुरुषों ने महिलाओं को बहुत दबा कर रखा है। हमें आज आत्मस्वीकृति करनी चाहिए, मैं करता हूं, हम सबको करना चाहिए। और बड़ी सीधी बात है, किसी गेंद को जोर से दबा कर रखो तो मित्रों जितना जोर से दबाओगे वो उतनी जोर से उछलेगी। शक्ति का रोकिए मत, उसे प्रवाहित होने दीजिए। जिन महिलाओं को हमने दबा कर रखा है उनने अपनी शक्ति को पहचाना है और उभर कर वे हमारे सामने आ रही हैं। कुछ लोग इस गलतफहमी से पीड़ित हैं कि वो उछल रही हैं। उछलने और उभरने में अंतर होता है। एक कदम गलत दिशा में उठ जाए जिंदगी से हमारा संपर्क टूट जाता है। किस दिशा में हमको कदम उठाना चाहिए इस पर सोचना आवश्यक है। बहुत सारे कानून बन गए, महिलाओं की शिकायतें बाजू भी है कि महिलाओं के साथ परिवार में ज्यादती होती है, किसी किसी समाज में अत्याचार भी होते हैं, तो महिलाओं की रक्षा के लिए कानून बनाए गए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बन गया है कि परिवार में यानी पति पत्नी के संबंध एक बेडरूम में कैसे होते हैं इसकी निगरानी अब पुलिस करेगी, यह कानून बना है। मुझे मेरे जैसे सामान्य बुद्धि के गले उतरना जरा मुश्किल है।
अब बुजुर्गों की रक्षा के लिए कानून बनेगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मैंने उन जो विधान निर्माताओं से प्रश्न पूछा कि मैं अपने पिताजी के साथ कुछ ज्यादती करता हूं, सुबह पिताजी भाड़े की टैक्सी में बैठ करके अदालत में गए और अपनी शिकायत दर्ज करके करा करके आए कि मेरा बेटा मेरे साथ ज्यादती करता है, मुझे अच्छी तरह नहीं रखता, तो भले ही कितनी ज्यादती हो, सुबह तक तो पिताजी घर में रहते थे, दोपहर के बाद जब अदालत से लौट के आएंगे तो घर का दरवाजा भी बंद मिलेगा, वे सड़क पर होंगे। कानूनों से इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, इस पर सामाजिक स्तर पर चिंतन करने और समाधान सोचने की आवश्यकता है। कल जो विचार हमारे सामने रखे गए हैं उस पर हमें कुछ गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। एक सुझाव मैं दे सकता हूं, सामाजिक स्तर पर सामंजस्य बैठाने के लिए हमारे समाज को चाहिए कि काउंसलिंग सेंटर्स की स्थापना करें। आधुनिकता के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके समाधान के उपाय भी हमें आधुनिक खोजना होंगे। हमारे समाज के स्तर पर कुछ परामर्श केंद्र, काउंसलिंग सेंटर खोलना चाहिए जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियों को उचित परामर्श दिया जाए। हाल जो वैवाहिक बंधन में हाल में जो जोड़े बंधे हैं उन्हें कुछ परामर्श दिया जाए, और यदि किसी प्रकार का मतभेद उनके बीच उत्पन्न होता है तो उनका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि ऐसे परामर्श केंद्र में जाएं, अपनी समस्याएं उनके सामने रखें और उनसे परामर्श प्राप्त करें। एक दूसरी इससे भी गंभीर, क्योंकि ये तो हमारी आज की पीढ़ी में जो परिवर्तन आ रहा है उसे हम देख और समझ सकते हैं, किंतु आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करने वाली जो समस्या है उस पर मैं बहुत गंभीरता से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और मुझे लगता है आपसे शिकायत न मानिए कि जितनी गंभीरता से इस पर विचार हमें करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा अधिक समय आपका इस विषय पर लूंगा। समाचार पत्रों के सुविज्ञ पाठक वो समाचार भूले नहीं होंगे कि लगभग 7 महीने पहले अमेरिका में वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के एक कोरियाई विद्यार्थी ने अंधाधुंध गोली चलाकर अपने 32 सहपाठियों को मार डाला था। इसी माह के प्रारंभ में लॉस वेगास में 3 बच्चों ने स्कूल के बस स्टॉप पर पिस्तौल से गोली मार करके 6 बच्चों को जख्मी कर दिया। विवाद की जड़ में कोई लड़की बताई जाती है। बच्चों की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, पर इस बात से माता पिता और शिक्षक अनजान हैं। संयुक्त परिवारों के विघटन और न्यूक्लियर फैमिली के बढ़ते चलन का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव अबोध बच्चों पर पड़ा है जो एकाकी हो गए हैं। परिवारों और स्कूलों के वातावरण में नैतिक शिक्षा का अभाव है। नई पीढ़ी होनहार है और बुद्धि प्रधान है। हमारे पास बच्चों पर नजर रखने के लिए समय हो या ना हो, पर आज के बच्चे वयस्कों और वयस्कों की दुनिया पर गहरी नजर रखते हैं। इंटरनेट के कारण वयस्कों की दुनिया बच्चों की पहुंच के बाहर नहीं रही है। मनोरंजन के नाम पर बच्चे अजनबियों से चैट करते हैं। वीडियो गेम्स की मारामारी और मारधाड़ वाले टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं। अब तो बच्चों के लिए बनने वाले कॉमिक्स और एनिमेशन फिल्मों में भी मारधाड़ और सेक्स का समावेश हो गया है। एक वाक्य में कहा जाए तो बच्चे वक्त से पहले जवान हो रहे हैं। ये मात्र कटाक्ष नहीं है बल्कि एक डरावने सत्य से आपका साक्षात्कार है। बच्चों में व्याप्त हिंसक और आपराधिक वृत्तियां उस नए भारत की देन है जिसमें शान शौकत, सरलता से कमाया गया नया पैसा, तेज भागती जिंदगी और शहरीकरण के बीच शानदार रहन सहन, जिसमें सांस्कृतिक मूल्यों का सर्वथा अवमूल्यन हो चुका है, हमारी जीवन शैली का अंग बन चुके हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को गहन प्रतियोगिता में भाग लेकर ऊपर उठते हुए देखना चाहता है, किंतु इस प्रक्रिया में
बच्चे के साथ सहयोग करने के लिए उनके पास समय नहीं है। संपन्न माता पिता के पास बच्चों पर खर्च करने के लिए अंधाधुंध पैसा है, समय नहीं है। तथा कथित अच्छे स्कूल में भेजकर माता पिता बच्चे के प्रति अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। बच्चा उजले कपड़ों में या मॉडर्न यूनिफॉर्म में छिपे हुए शरीर के अंदर एक एकाकी, विचलित, परित्यक्त और मानसिक रूप से शिथिल व्यक्तित्व सहजता रहता है, जो कभी भी आक्रामक हो जाता है। आर्थिक समृद्धि में भारत को अमेरिका होने में समय लगेगा, किंतु बच्चों की दुनिया में भारत अमेरिका बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों को लेकर हमारे सामने दूसरी चुनौती उनका खान पान है। दिल्ली में हाल में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार हर 5 में से एक बच्चा ओवरवेट है। 70% संभावना है कि यह बच्चा बड़ा होकर मोटापे और डायबिटीज से पीड़ित होगा। ये बच्चे जंक फूड पसंद करते हैं। कक्षा 3, 4 और 5 के 1155 बच्चों के अध्ययन से पता चला है कि उनमें से 40% बर्गर खाना पसंद करते हैं, 30% पिज्जा खाते हैं और फलों में केवल 11% की रुचि है। बर्गर और पिज्जा के साथ उन्हें कोल्ड ड्रिंक चाहिए। 44% बच्चे शीतल पेय पीते हैं, जिनमें किसी भी वस्तु में पोषक तत्व नहीं होते, केवल स्वाद होता है। बच्चों को तैयार चीज मिलती है और माता पिता को पकाने की परेशानी से छुटकारा। खान पान की प्रवृत्ति पोषक या उत्तरदायी है। खान पान की प्रकृति के इस परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी हैं, वे हैं भौतिक सुख की चाह, माता पिता का लाड़ प्यार, विज्ञापन और वातावरण। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार शीघ्र ही भारतवर्ष मोटापे के रोग के लिए विश्व का शीर्षस्थ देश हो जाने वाला है। आदमी अशांत है। कानून व्यवस्था बनाने वाली एजेंसियां शिथिल और संवेदना शून्य हो गई हैं। न्याय महंगा है, विलंब से मिलता है। सड़क पर दुर्घटना के मामले में लोग खुद ही चालक और वाहन को सजा देने लगे हैं। इस बढ़ती प्रवृत्ति को समाचार पत्र रोड रेज का नाम दे रहे हैं। कॉलोनियों में संदिग्ध व्यक्ति यदि पकड़ में आ जाए तो लोग उसे खुद ही निपटा देते हैं। लोगों में न्याय के प्रति अविश्वास और हिंसा की वृत्ति बढ़ रही है। अनेक निर्दोष व्यक्ति इस हिंसा और उन्माद के शिकार हो रहे हैं। समाधान मिल सकता है शिक्षा में, किंतु हमारे देश की शिक्षा की स्थिति क्या है? कितने ही विद्यालय खुल रहे हों, कितनी यूनिवर्सिटीज खुल रही हों, कल यूनिवर्सिटीज के विद्यालयों के आंकड़े रमेश जी मर्दा ने हमारे सामने प्रस्तुत किए थे। भारत में नई पीढ़ी के बीच शिक्षा के प्रति रुझान एक विस्फोट के रूप में आगे बढ़ा है। हमारे देश में शिक्षा के उन्नत और आधुनिक संस्थान न होने के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हजारों की संख्या में बच्चे प्रतिवर्ष बाहर चले जाते हैं, विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। एक अनुमान के अनुसार लगभग 2,00,000 बच्चे विदेशों में शिक्षा ले रहे हैं। ये सब अद्भुत प्रतिभा संपन्न हैं, किंतु वे वहीं बस जाते हैं। इसकी 2 हानियां हैं। 1, हमारे देश से प्रतिभा का पलायन। 2, हमारी युवा पीढ़ी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित न होकर पाश्चात्यता के रंग में रंग रही है, जिससे भारतीयता का अवमूल्यन हो रहा है। यह हमारे देश की सांस्कृतिक क्षति है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि भारत में जिसे हम शिक्षण संस्थाओं का प्रसार समझ रहे हैं, वो वास्तव में शिक्षा के नाम पर खुल रहे व्यापारिक दुकानों का प्रचार है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हमारे देश के वे विद्यालय और महाविद्यालय जो श्रेष्ठ कहलाते हैं, उनका स्तर सामान्य से भी नीचा है। गत वर्ष एक पर्यवेक्षण किया गया, जिसमें बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली के 142 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में
कक्षा 4, 6 और 8 में पढ़ने वाले 32,000 विद्यार्थी परीक्षण के दायरे में लिए गए, किंतु जो उत्तर उन्हें दिए वे उत्तर पढ़कर अथवा याद करके तो दिए जा सकते थे, किंतु किसी भी विषय को विश्लेषित करने और मौलिक चिंतन द्वारा उत्तर देने की क्षमता का विकास उन विद्यार्थियों में नहीं हुआ था। भाषा और गणित विषयों की जांच में हमारे विद्यार्थी अंतरराष्ट्रीय मानकों से बहुत नीचे निकले हैं। 2007 की टाइम्स हायर एजुकेशनल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हमारे देश का एक भी शिक्षण संस्थान प्रथम दोषों की सूची में भी नहीं आ सका, जबकि जापान के 11, चीन के 6 और हांगकांग के 4 विश्वविद्यालय इस सूची में अंकित हैं। हांगकांग की आबादी मुंबई शहर से भी आधी है। सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सिंग पुणे के डायरेक्टर जॉन कुरियन का कहना है कि हमें चाहिए कि बच्चों को कैलकुलेटर देने के बजाय उन्हें पहाड़े और गणना के सूत्र सिखाएं, बच्चों को कविताएं, भाषण याद करने, लिखने और कहने की शक्ति उनमें विकसित की जाना चाहिए। सेनेगल में जारी ग्लोबल कैंपेन फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट में यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन के लिए भारत को C+ ग्रेड मिला है। हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हम न A+- में हैं, न B+- में हैं, जिसे हम प्रगतिशील भारत कहते हैं उसकी गणना अंतरराष्ट्रीय मानकों में शिक्षा के लिए C+ आती है। भारत में आज भी 5 में से केवल 3 व्यक्ति शिक्षित हैं। जो आर्थिक असमानता, आर्थिक संपन्नता की असमानता हमारे देश में है, मैंने भीलवाड़ा के संबंध में कुछ रोचक तथ्य कहे थे, किंतु हमारे देश की जो कुछ कंपनियां हैं जैसे इंफोसिस, SCL, विप्रो जैसी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट को भी टक्कर दे रही हैं। बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग में भारत एशिया का हब बन गया है। हमारे युवा प्रोफेशनल्स की सैलरी लाखों और करोड़ों में पहुंच रही है, किंतु फिर भी भारत का एक बहुत बड़ा तबका गरीबी में फंसा हुआ है। एक असमानता बढ़ रही है, जो संपन्न है वो अधिक संपन्न और शक्ति संपन्न हो रहे हैं, किंतु जो गरीब हैं वे गरीब होते चले जा रहे हैं। परिस्थिति यह है, केवल एक वाक्य में यदि कहूं, एक ओर दुनिया भर के अर्थशास्त्री इस बात को मान रहे हैं कि सन 2050 तक भारत की राष्ट्रीय आय अमेरिका की राष्ट्रीय आय को पीछा छोड़ देगी, एक ओर तो ये स्थिति है, किंतु दूसरी ओर स्थिति यह है कि भारतवर्ष की 77% आबादी आज भी मात्र 20 रुपए से कम में गुजारा करती है। ये जो असमानता बढ़ रही है, इस असमानता के लिए हमारे पास क्या समाधान है? केवल 2 तथ्य और। भ्रष्टाचार, हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2 साल पहले भारतवर्ष 180 देशों में ईमानदारी के हिसाब से ऊपर से नीचे गणना की जाए तो 72वें स्थान पर था। पिछले वर्ष हमने बहुत बड़ी तरक्की की। क्या तरक्की की? कि 72वें से बढ़कर के हम 69वें स्थान पर आ गए। और इस वर्ष सितंबर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उसने कहा है कि 69 का स्थान शायद आपको रास नहीं आया, इसलिए इस वर्ष आप फिर 72वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये हमारे देश में भ्रष्टाचार की स्थिति है। एक नया उन्माद जो हमारे देश में उत्पन्न हो रहा है, विशेषकर मैं आदरणीय देवियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या आप जानती हैं कि आपके स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? इस देश में यौन शिक्षा के नाम पर बच्चों के हाथों में जो पुस्तकें दी गई हैं, मैंने वो पुस्तक देखी है और मैं मर्यादा का ध्यान रखते हुए अधिक तो आपसे नहीं कह सकता, किंतु इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों के हाथों में जो पुस्तक दी गई है, पति और पत्नी एकांत में कमरे में बैठकर उस पुस्तक में प्रकाशित चित्रों को देख नहीं सकते। वो चित्र आपके अबोध बच्चों के हाथ में
शिक्षा के नाम पर, यौन शिक्षा के नाम पर सौंप दिए गए हैं। बच्चों की किताबें जरा उठाकर देखिए। मैंने यूनेस्को के सहयोग से गुजरात सरकार द्वारा प्रकाशित एक कैलेंडर देखा, एक कैलेंडर। उस कैलेंडर में वो कैलेंडर बांटा गया है, बड़ा रंगीन चित्र वाला कैलेंडर, गुजराती में उसमें कुछ लिखा भी हुआ है। हमारे ड्राइंग रूम में टांगने के लिए, हमारे ऑफिस में टांगने के लिए जो कैलेंडर गुजरात सरकार ने बांटा था, यूनेस्को के सहयोग से छापा गया था वो कैलेंडर। उस कैलेंडरों में यौनांगों और प्रजनन अंगों के नग्न चित्र हैं। HIV और एड्स की रोकथाम के लिए वो कैलेंडर प्रसारित किया जा रहा है। जिस दीवार पर भगवान राम और कृष्ण, राम कृष्ण विवेकानंद और दयानंद के चित्र टांगे जाते थे, टांगे जाते रहे हैं, उस स्थान पर वो कैलेंडर टांगा जाएगा? मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। दिल्ली में एक जैन मुनि हैं, मुनि श्री विजय रत्न सुंदर सागर सूर्यश्वर जी महाराज। वो अपने संत की मर्यादा का परित्याग करके एक वर्ष से दिल्ली में टिके हुए हैं, और बच्चों में जो यौन शिक्षा हमारे केंद्र सरकार ने जो पाठ्यक्रम बना करके भेज दिया है उसका विरोध कर रहे हैं। 11 प्रदेशों की सरकारों ने जब उनका ध्यान आकर्षित किया गया तब उन्होंने उस पाठ्यक्रम को वापस ले लिया, किंतु ऐसा केवल अभी 11 प्रदेशों में हुआ है, बाकी प्रदेशों में वो पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप किसी अन्य समस्या पर चर्चा मत कीजिए, ये गंभीरतम विषय है जिस पर आपको चर्चा करनी होगी, सोचना होगा, वरना हम कहां पहुंचेंगे। मैं केवल 2 तथ्य पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका में यौन शिक्षा 10 साल पहले प्रारंभ हो चुकी है। आज वहां इस यौन शिक्षा का जो परिणाम निकला है, वो परिणाम की भयावह कल्पना आपके सामने साकार करने के लिए केवल 3 तथ्य कहना चाहता हूं। प्राइमरी स्कूलों में जहां को एजुकेशन होता है वहां कंडोम स्कूलों में बांटे जाते हैं, और जब इससे भी समाधान नहीं निकला तो समस्या के समाधान के लिए प्राइमरी स्कूलों में गर्भपात के केंद्र खोले जा रहे हैं। स्कूल में समस्या, स्कूल में ही समाधान, माता पिता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1। दूसरा, समलैंगिक विवाह हो रहे हैं। पुरुष पुरुष से विवाह करता है, स्त्री स्त्री से विवाह करती है, और वहां के मानवाधिकार न्यायालयों ने इसे कानूनी मान्यता दे दी है। इससे उनका दिल नहीं भरा। अमेरिका में एक सशक्त संगठन इस बात की मांग कर रहा है कि जो हमारे रक्त संबंधी हैं, भाई बहन, इनके बीच में यौन संबंध क्यों नहीं हो सकता? ये हमारा शरीर है, इस पर हमारा अधिकार है, हम दोनों बालिग हैं, हम जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं। हो सकता है कि किसी दिन इसको भी मान्यता मिल जाए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या इस समाज का अंग बनने के लिए आप तैयार हैं? और यदि नहीं हैं, तो जितनी जल्दी इस सांस्कृतिक प्रदूषण को रोक सकते हैं इसे रोकिए। इस पर चिंतन कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, और विरोध का स्वर मुखर कीजिए, अन्यथा क्या होगा मैं तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छा है कि मेरी आयु 67 वर्ष की हो गई और 2-4-5-7 साल मेरे जीवन को बचे हैं, किंतु हमारे बच्चों को जिस समाज में हम छोड़कर जाएंगे, उस समाज की कल्पना करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं एक अपील आपसे करना चाहता हूं कि अपने बुजुर्गों की विरासत को संभालो, वरना
अपने बुजुर्गों की विरासत को संभालो, वरना अब की बरसात में ये आखिरी दीवार भी ढह जाएगी। मैंने कुछ समस्याएं तो आपके सामने रखी हैं, किंतु समस्याओं को बता करके आपको आतंकित करना मेरा उद्देश्य नहीं है। न मैं आपको आतंकित करना चाहता हूं, न आशंकित करना चाहता हूं, किंतु चिंतन के लिए प्रेरित और विवश अवश्य करना चाहता हूं। एक छोटी सी घटना है, जापान की एक कंपनी ने अफ्रीका के एक द्वीप पर अपने प्रतिनिधि को भेजा, वो कंपनी जूता बनाती है, उस द्वीप पर अपने प्रतिनिधि को भेजा कि जाओ देख कर आओ कैसा बाजार है। उस द्वीप पर द्वीप के आदिवासी जूता पहनना जानते ही नहीं थे। वो प्रतिनिधि गया, उसने अपने कंपनी को रिपोर्ट भेजी कि इस द्वीप पर व्यापार की कोई संभावना नहीं है, यहाँ के लोग तो जूते का प्रयोग करते ही नहीं है, यहाँ तो नंगे पैर रहते हैं। उस कंपनी ने अपने दूसरे प्रतिनिधि को उसी द्वीप पर भेजा, उस प्रतिनिधि ने रिपोर्ट दी कि इस द्वीप पर हमारी कंपनी के लिए 100% सफलता की पूरी पूरी संभावना है, यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं है, यहाँ का हर व्यक्ति हमारे लिए संभावित ग्राहक है। ये नजरिए का अंतर है। जितना ज्यादा समस्याएं हों उतनी बड़ी चुनौती, और जितनी बड़ी चुनौती है समाधान के लिए उतने ही अधिक साधन। अंग्रेजी की कहावत है, वो कहती है कि जब परमेश्वर ईश्वर हमारी किसी समस्या का समाधान करता है तो इसका अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर की योग्यता में विश्वास है, हम उसका भरोसा करते हैं। किंतु जब परमेश्वर हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं करता और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमें अकेला छोड़ देता है तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर को हमारी शक्ति पर भरोसा है। ये समस्याएं हमारी शक्ति, हमारी चिंतन और हमारी सामर्थ्य के लिए चुनौती बनकर हमारे सामने उभरी है। मैं समाधान की दिशा में थोड़ा सा चर्चा, समाधान खोजेंगे मिलेगा भी। हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और स्वतंत्रता वहां सुदृढ़ होती है जहां के नागरिक सरकार से ये नहीं पूछते कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। प्रत्येक नागरिक ये पूछता है प्रश्न अपने आप से कि मैं इस देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकता हूं। प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए शासन का मुंह देखने की प्रवृत्ति से जितनी जल्दी हम मुक्ति पालें उतना ही अच्छा है। सुशासन की मंजिल स्वशासन से मिलेगी, सुशासन की मंजिल स्वशासन से ही मिलेगी। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर का एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। समाज के प्रत्येक औद्योगिक और व्यापारिक घराने को चाहिए कि वो कोई ना कोई शिक्षण संस्था स्थापित करे अथवा कोई पारमार्थिक चैरिटेबल या लोक कल्याणकारी योजना को प्रारंभ करे और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां या सुगम ऋण दे। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में बिरला परिवार का योगदान उल्लेखनीय और अभिनंदनीय है। मैं तो ये कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, हम में से प्रत्येक, ईश्वर की कृपा है, उसने हमें कुछ तो साधन दिए हैं। हमें अपने साधनों का एक निश्चित प्रतिशत समाज की सेवा के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। यह प्रतिशत 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1% भी हो सकता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। किंतु हम में से प्रत्येक को चाहिए कि अपनी आय का 1% लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए सुरक्षित रखे और अपने समय का 1% स्वयं सेवा करने के लिए भी सुरक्षित रखे। मैं एक बहुत प्रेरक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, एक सत्य घटना है। जापान में तो बौद्ध धर्म का प्रचार है, अनेक देशों में बौद्ध धर्म का। जापान में एक बौद्ध के मन में, बुद्ध भगवान के अनुयायी के मन में ये प्रेरणा हुई। बुद्ध भगवान ने अपने उपदेश कहीं लिखे नहीं हैं,
उसके मन में ये प्रेरणा हुई कि बुद्ध भगवान के सारे उपदेशों को संग्रहित करे और संग्रहित करके प्रकाशित करे तो आने वाले समय के लिए उपयोगी सामग्री मिल सकेगी। मित्रों, संबंधियों, उदार मना व्यक्तियों से उसने संपर्क किया, पैसा इकट्ठा किया, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह उसने कर लिया था। और जब ये पुस्तक छपने के लिए देने वाला था कि इसी समय उस प्रदेश के तटवर्ती इलाके में बाढ़ आ गई, हजारों घर गिर गए, हजारों लोग बेघर हो गए, बह गए, मर गए, उन लोगों को सहायता की आवश्यकता थी। पुस्तक प्रकाशित करने के लिए जो धन उसने एकत्रित किया था उसने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दे दिया। समय बीत गया, पुनः वह अपने उन्हीं मित्रों से ही उनके पास गया, उनसे प्रार्थना की, वास्तविकता बताई कि मैं पुस्तक प्रकाशित करना चाहता हूं, एक बार मेरा सहयोग फिर कीजिए। लोगों ने खुले दिल से सहयोग किया, पैसा फिर इकट्ठा हुआ। दुर्भाग्य देखिए कि जापान में भूकंप आ गया, हजारों घर गिर गए, हजारों लोग बेघर हो गए, बच्चे अनाथ हो गए। पुस्तक के प्रकाशन के लिए जो पैसा उसने इकट्ठा किया था उसने वह सारा पैसा भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए वितरित कर दिया, दान दे दिया। समय व्यतीत गया, बाढ़ और भूकंप के जख्म लोगों के दिलों में भर गए। एक बार फिर उसके मन में संकल्प उठा कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह में प्रकाशित करूंगा। इस बार सौभाग्य ने उसका साथ दिया, पैसा इकट्ठा हुआ, लोगों ने परहेज भी किया, दबे मन से पैसा भी दिया, किंतु भगवान बुद्ध के उपदेशों के प्रकाशन का उद्देश्य था। पैसा इकट्ठा हुआ, पुस्तक भी प्रकाशित हो गई। इस पुस्तक के मुखपृष्ठ पर पुस्तक का शीर्षक उसने दिया भगवान बुद्ध के उपदेश, और उसके नीचे लिखा तीसरा संस्करण, थर्ड एडिशन। किसी ने पूछा ये तीसरा संस्करण कैसे हुआ, उसने कहा दोस्तों भगवान बुद्ध के उपदेश क्या हैं? प्रेम, अहिंसा और करुणा। तीसरे संस्करण में ये उपदेश लिखे हैं, पहले दो संस्करण में ये उपदेश प्रयोग में लाए गए थे, इसलिए ये पुस्तक का तीसरा संस्करण है। हम सब लोगों को उदार मना होना चाहिए, अर्थ शरीर से, मन से, वाणी से, साधनों से, जैसे भी हो इस समाज को उत्थान के लिए हम काम कर सकते हैं तो हम करें। मुझे कल बहुत खुशी हुई, सूरत के वक्तव्य में अक्सर लोग चर्चा करते हैं, मैंने समाज का आह्वान किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए। शिक्षा शास्त्रियों का मत यह है कि यदि हमें एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है तो आज हमारी शिक्षण पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। तब आज के बच्चे जो इस शिक्षा इन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेंगे और ऐसी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तब आज से 25 साल के बाद जब ये बच्चे इस समाज के कर्णधार बनेंगे तब हमारे देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का स्वप्न साकार होता हुआ हम देख सकेंगे। इसलिए ये मनुष्य का मस्तिष्क है जिसमें निर्माण और विध्वंस दोनों के विचार जन्म लेते हैं, इसलिए इस मस्तिष्क में उन बीजों का रोपण करना जरूरी है जिनसे केवल सृजन के पौधे जन्म लें, विनाश के, विध्वंस के नहीं। रामपाल जी सोनी जो हमारे महासभा के सभापति हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल के प्रारंभ में इस बात की घोषणा की कि शिक्षा और उच्च शिक्षा उनके कार्यकाल का पहला उद्देश्य है। उन्होंने घोषणा की है कि कोई भी स्थानीय समाज यदि कोई स्कूल हॉस्टल बनाना चाहता है तो आधा पैसा वो इकट्ठा करे, शेष आधा पैसा वे देंगे, घोषणा की उन्होंने। हमारे समाज को चाहिए कि इनकी इस घोषणा का पूरा पूरा लाभ उठाएं। अरे भाई, बहुत एक ग्रामीण बुद्धि की बात है कि गाय जब तक दूध देती है तब तक निकाल लेना चाहिए, जब दूध देना बंद कर देगी फिर क्या निकालेंगे। आज जितना मिल रहा है ले लीजिए,
जो समय गुजर गया हमने नष्ट किया है। अब इस सम्मेलन के उपरांत एक दिन की भी देरी किए बिना मैं चाहूंगा कि जो प्रतिनिधि हमारे देश भर से इकट्ठा हुए हैं ये अपने अपने प्रदेशों को जब लौट करके जाएं तो कोई ना कोई शिक्षा की योजना प्रारंभ करें, पैसा इकट्ठा करें और रामपाल जी सोनी को SMS करें। मेरा अपना जो अनुभव है, क्योंकि मैंने अपने देश में विदेशों में अनेक स्थानों पर भ्रमण किया है, एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय यदि बनाना चाहें तो हमें कम से कम 100 एकड़ जमीन और 100 करोड़ रुपया चाहिए, एक बहुत अच्छा विश्वविद्यालय। देखिए आजकल मेडियोक्रिटी सामान्यता के लिए इस विश्व में कहीं स्थान नहीं है। हमारे देश में 200-500 विश्वविद्यालय और भी हैं, उसमें 501वां महर्षि विश्वविद्यालय जुड़ जाएगा, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अंतर तब पड़ेगा जब हमारा विश्वविद्यालय अन्य सबसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ हो, सबसे ऊपर हो, और इसके लिए कम से कम 100 एकड़ जमीन, 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये रुपया कहां से आएगा? 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं, छोटी-छोटी बातें। मेरे सबसे छोटे दामाद दीपक जी मर्दा मेरे साथ आए हैं, जो श्री मर्दा जी कामेश्वर जी हमारे समाज के कार्यक्रम में बहुत रुचि लेते हैं, उनके भतीजे हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो शायद अब भारत में ही शिफ्ट होना चाहते हैं। कल उनने मुझसे शाम को चर्चा की, उनने कहा कि अमेरिका में ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। आपके पास यदि ठोस योजना है और जमीन आपके पास है तो पैसे की कमी की आप चिंता मत कीजिए। उनने कहा जितना पैसा आपको चाहिए मैं ला कर दूंगा। हमारे विदेशी मित्र हमारी मदद करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ एक आश्वासन चाहिए, एक आश्वस्ति चाहिए कि इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। यदि हम इस पैसे के सदुपयोग की आश्वस्ति उन्हें दे सकते हैं तो पैसे की कोई कमी नहीं। और ये बड़ा छोटा सा सूत्र आपको दूं, मैं तो बहुत छोटी बुद्धि का आदमी हूं, बहुत छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। कल मुझे बताया गया कि हमारी समाज की आबादी 15 लाख है, 15 लाख, छोटी सशक्त। अब यदि और इस 15 लाख की आबादी में हर आदमी को भविष्य की चिंता है, मेरे बच्चों का आगे क्या होगा, इस बात की चिंता है, इस चिंता के समाधान की कितनी छोटी सी कीमत। 15 लाख व्यक्ति में आने वाली पीढ़ी और इस देश की तरणाई के हित में यदि प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपया दे दे, 100 रुपया प्रत्येक, तो 1,50,00,000 आ गए। और 100 रुपये जो देने तैयार हो जाएगा, 1 शून्य और बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि 15 लाख महेश्वरी 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति एक आदर्श सशक्त भारत के निर्माण के लिए देना के लिए तत्पर है तो 150 करोड़ रुपया एक दिन में इकट्ठा हो सकता है। छोटा समाज है किंतु समाज में एक लगन चाहिए, और इसलिए दुष्यंत कुमार की वो बात याद आती है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर ताकत के साथ फेंकने की जरूरत है। एक रामपाल जी सोनी और उनकी टीम यदि 15,000 से 20,000 आदमियों को भीलवाड़ा में एकत्रित कर सकती है तो मुझे एक महर्षि विश्वविद्यालय की स्थापना कोई दूर का स्वप्न नजर नहीं आती। आप किसी भी शिक्षण संस्था की स्थापना करें, चाहे वो महेश्वरी हो, विश्वविद्यालय हो, विद्यालय हो, या मॉन्टेसरी या नर्सरी स्कूल, मेरी इस शिक्षण संस्था से कुछ अपेक्षाएं हैं। एक एक वाक्य में 5-7 हैं, मैं आपसे कह देना चाहता हूं।
स्थापना महेश्वरी समाज करे, किंतु संस्था की सेवाएं महेश्वरी समाज तक ही सीमित नहीं रहेंगी। देश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता के आधार पर, मेरिट के आधार पर संस्था की सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार होगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षण सुविधा देने की व्यवस्था भी इन संस्थाओं में रहे, तभी हमारी संस्थाओं को ये देश स्वीकार करेगा और हमारी संस्था का जो कि स्टेचर होगा वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होगा। दूसरा, महेश्वरी शिक्षण संस्था सामान्य शिक्षण संस्था नहीं होगी। शिक्षा का स्तर अति उत्कृष्ट होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर न केवल खरा उतरे बल्कि श्रेष्ठ हो। हम विदेश के श्रेष्ठतम शिक्षण संस्थानों से संपर्क बनाकर के सहयोग प्राप्त कर सके। तीन, महर्षि विवेकानंद, दयानंद, महात्मा गांधी और डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे अनेक महापुरुष एक मत हैं कि जो शिक्षा विद्यार्थी को चरित्रवान और व्यक्तित्व को चहुमुखी विकास नहीं बना सकती, वो शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीव को उपार्जन के लिए आत्मनिर्भर बनाना तो है, पर यह एकमात्र उद्देश्य नहीं है। अस्तु, महेश्वरी शिक्षण संस्थाएं विद्यार्थियों में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना पर विशेष जोर दें। चौथा, महेश्वरी शिक्षण संस्था विद्या की जगत में अनुकरणीय आदर्श बने, ऐसा रोल मॉडल जिसका अन्य संस्थाएं उसकी अनुकृति करने का प्रयास करें। पांचवा, महेश्वरी शिक्षण संस्था की स्थिति, प्रबंधन, शिक्षण और क्रियाकलाप शेषतम हो, एवरीथिंग एट इट्स बेस्ट एंड ऑफ द टॉप। सिने जगत के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर की यही विशेषता थी कि अपनी फिल्म के लिए जिसे भी चुनते थे, कहानी लेखक, कलाकार, संगीतकार, पार्श्व गायक, जो भी हो, वे अपने क्षेत्र का श्रेष्ठतम होता था। इसीलिए उनकी हर फिल्म यादगार और अनूठी बन सकी। छठा और अंतिम, संस्कार, संस्कृति और संस्कृत हमारे पाठ्यक्रम के अनिवार्य अंग हों। संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है, ज्ञान का अथाह भंडार अपने में संजोए है। विश्व के विकसित देश हमारे संस्कृत के ग्रंथों में निहित ज्ञान पर शोध कर रहे हैं। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने अपनी सफलता का श्रेय उनके संस्कृत ज्ञान को दिया है। यह भाषा अपने भीतर संस्कारों की शिक्षा के मंत्र छिपाए हुए है। नई पीढ़ी में नैतिक मूल्यों के अभाव का सबसे बड़ा कारण उनका ऐसी संस्थाओं में शिक्षण प्राप्त करना है जहां संस्कृत की शिक्षा या तो नहीं दी जाती या संस्कृत का अनादर होता है। मैं अपील करूंगा कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत को महत्ता दी जाए। कल हमारे मित्रों ने कुछ कहा भी तो पत्र मुझे कल मेरे कुछ मित्रों ने दिए, उन्होंने लिखा है कि आप जब बोलने खड़े हों तो आप ये कहें कि हमारे समाज के लोगों को राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं में आगे आना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं, किंतु समाधान का दृष्टिकोण मेरा दूसरा है। राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए केवल कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी योग्यता और समाज में अपना स्थान सशक्त करना चाहिए। राजनीति में प्रवेश अपने आप मिलेगा और इसी प्रकार हमारे जो बच्चे अच्छी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करेंगे वे अवश्य प्रशासनिक सेवाओं में जाएंगे। किंतु इससे अधिक महत्व की एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज देश क्या संपूर्ण विदेश में भी संपूर्ण जगत में जो सबसे सशक्त इंस्टीट्यूशन उभरा है, संस्था उभरी है, वह है मीडिया। मेरे एक मित्र मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि आने वाले समय में इस देश की राजनीति का निर्धारण मीडिया करेगा। वो जीतेगा जिसे मीडिया जिताना चाहेगा और वो हारेगा जिसे मीडिया हराना चाहेगा। और तो और, हमारे विचार क्या होंगे, हमारा खान पान क्या होगा, हमारा रहन सहन क्या होगा,
इसका निर्धारण भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया करेगा। इतना प्रभावशाली है ये मीडिया, इतनी सशक्त है उसकी समाज के ऊपर पकड़। इसलिए माहेश्वरी समाज को एक सशक्त समाचार पत्र का प्रकाशन करना चाहिए। मेरे पास बहुत से समाचार पत्र आते हैं, माहेश्वरी, माहेश्वरी बंधु, माहेश्वरी टाइम्स, बहुत अच्छी पत्रिकाएं निकल रही है, बड़ी अच्छी सामग्री होती है इनमें, कुछ अखबार भी निकलते हैं, किंतु ये सब या तो पत्रिकाएं हैं या प्रादेशिक समाचार पत्र हैं। हमें एक राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र निकालने की पहल करना चाहिए। मेरी इस बात पर थोड़ा विचार कीजिए, कोई वक्ता आपको यह बात कहने वाला नहीं है जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसे समझ रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की शक्ति को हमें पहचानना चाहिए, और चाहे आप राजनीति में दखल देना चाहें, चाहे आप इस समाज के सिरमौर बनना चाहें, जब तक एक सशक्त अखबार आपके पास नहीं है, आप इस समाज पर, इस देश पर अपनी पकड़ नहीं बना सकेंगे। आज से 100 साल पहले अकबर अलाहाबादी ने एक शेर लिखा था, उसे लिखा था कि न तीर निकालो न तलवार निकालो, न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब जंग मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जिस देश का चिंतन है उस पर अपनी पकड़ यदि बनाना है तो हमें यह करना होगा। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में आदर्शों की स्थापना करना होगी। मैं एक 5 मिनट में इस विषय में एक 5-7 सूत्र आपके सामने रखना चाहता हूं। केवल सूत्र कह देता हूं, मैं कई स्थानों पर यह बात कहता हूं, आप सब समझदार हैं, सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, कहता हूं मैं हूं, करना तो आपको ही है। परिवार के सदस्य चाहे जितने भी व्यस्त हों, दिन में कम से कम एक बार अवश्य मिलें और साथ बैठें। यह समय देव पूजा का हो सकता है, भोजन का हो सकता है या चाय का हो सकता है, किंतु 24 घंटे में एक बार मिलिए जरूर। दुर्भाग्य से हम तो उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि अब पति पत्नी दोनों वर्किंग हो गए हैं, कल हमारे वक्ताओं ने इस पर ध्यान दिलाया है। अब पति हैं रात की ड्यूटी करते हैं, पत्नी हैं दिन की ड्यूटी करती हैं, 24 घंटे निकल जाते हैं, उनकी भी मुलाकात आपस में नहीं हो पाती। ऐसा है हमारे पारिवारिक संरचना होती जा रही है। सप्ताह में एक दिन अवकाश का ऐसा रखें जिसमें कोई काम ना किया जाए, केवल साथ समय बिताया जाए। घर के बाहर जाया जा सकता है, पारिवारिक मित्रों के यहाँ जाकर उनके परिवार के सदस्यों से मिलना भी उस दिन हो सकता है। छोटे बच्चे प्रतिदिन बड़ों को प्रणाम कर आशीर्वाद लें। यात्रा पर जाने और लौटने के समय सभी बड़ों का प्रणाम करना अच्छी परंपरा है। और बुजुर्गों से कहता हूँ कि इसमें कंजूसी मत करिए, जब कोई छोटा बच्चा प्रणाम करे तो दिल खोल करके उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। परिवार में विवाद मत करिए, मतैक के ना हो तो विषय पर बैठ करके शांत चित्त, शांत आवाज और खुले दिमाग से बातचीत कर लेना उचित है। घर में केवल उत्तम पुस्तकों का प्रवेश होने दें, रामायण, गीता और श्रीमद् भागवत अपने घर में अवश्य रखें। पढ़ें या ना पढ़ें कोई अंतर नहीं पड़ता, घर में रखिए जरूर और इसका चमत्कार करके देखिए। दूरदर्शन घर के बीच सामान्य कमरे जनरल रूम में रखें और दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखने का समय सीमित रहे। कंप्यूटर भी कॉमन रूम में रखें और बच्चे इंटरनेट के द्वारा क्या देख रहे हैं इस पर नजर रखें। बच्चों के सोने और जागने का समय उचित हो, वे देर रात तक न जागें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज, ये 100 साल पुरानी हम पढ़ते चले आ रहे हैं, आज उसे दोहराने का समय आ गया है। बच्चों को देर रात तक मित्रों के घर या अन्य स्थान पर घर से बाहर न जाने दें। मूवी देखने के लिए यथासंभव बच्चों के साथ जाएं। बच्चों के लिए समय निकालें, वे क्या चाहते हैं समझें, जो कहना चाहते हैं सुनें। स्कूल और खेल के मैदान में उन्होंने क्या किया
ये सुनाने के लिए अवसर उन्हें दें। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आज चिकित्सा विज्ञान ने ऐसी प्रगति की है कि माता पिता अपनी संतान चुन सकते हैं, बच्चा कब होगा तय कर सकते हैं, बच्चा होगा या नहीं होगा ये भी तय कर सकते हैं। तो माता पिता को तो आज इस विज्ञान ने अधिकार दे दिया कि वे अपने बच्चों को चुन सकते हैं, किंतु उन बच्चों पर दया कीजिए जिन्हें अपने माता पिता चुनने का अधिकार नहीं है। किसी बच्चे को ये विकल्प नहीं है कि अपने माता पिता को चुन सके, इसलिए जिन माता पिता ने अपने बच्चों को चुना है, जिस विज्ञान ने उन्हें अधिकार दिया है, आज की सामाजिक मांग ये है कि उन माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों के लिए समय निकालें। बच्चों को खर्च करने के लिए अनावश्यक पैसे न दें, जो भी पैसा दें उसका हिसाब उनसे जरूर लें। हिसाब रखना उनकी आदत में आएगा और वे अपव्यय या अनुचित व्यय नहीं करेंगे। बच्चों को बच्चों की तरह बड़ा होने दें, अपनी संपन्नता का एहसास बच्चों को न होने दें। मैं अपनी बात के समापन की ओर आ रहा हूं। संत प्रवर सुधांशु जी महाराज कहते हैं कि वो घर स्वर्ग के समान है जिसमें एकता की शक्ति हो, ईश्वर की भक्ति हो, दुर्भावों से विरक्ति हो और गुरु वचनों में अनुरक्ति हो। शक्ति, भक्ति, विरक्ति और अनुरक्ति, गुरु वचनों का अर्थ है जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत और आदर्श, और इनका स्रोत है सत्संग और स्वाध्याय। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को इस संकल्प लेना होगा कि वो वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर उन जीवन मूल्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयास करे जो हमारे अपने हैं, जिनका ह्रास हो चुका है या हो रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय के चंडीगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर धनपाल मेली के अनुसार भारतीय जीवन मूल्यों के निम्न आधार हो सकते हैं। एक उन्होंने अपनी सुंदर पुस्तक प्रकाशित की 6 खंडों में, मानव मूल्य परक शब्दों का विश्वकोश विलक्षण रचना है। 35 वर्षों की 130 शोधकर्ताओं का अनवरत श्रम उसमें लगा है। जितने भी मानव मूल्य परक शब्द हमारी शब्दावली में हैं, उनका विश्वकोश उन्होंने तैयार किया है। 12,000 रुपए कीमत के 6 खंड हैं। कीमत कुछ भी नहीं है, जो इस पुस्तक की महत्ता उसके दृष्टिकोण से प्रत्येक परिवार को या पुस्तकालय को, संस्था को ये पुस्तक अपने घर में रखना चाहिए। वे कहते हैं कि जीवन मूल्यों के 5 आधार हो सकते हैं, जीवन के प्रति आस्था और लगाव, विवेकशील चिंतन, परिवेश का बोध, लोक कल्याण की चेतना और वैयक्तिक उदात्तीकरण अथवा आंतरिक उन्नयन। विषय के उपसंभार के रूप में मैं श्री सुधांशु जी महाराज का एक उद्धरण फिर प्रस्तुत करना चाहता हूं। वे कहते हैं कि वह जीवन निरर्थक है जिसमें प्रेम का प्रवाह न हो, उन्नति की चाह न हो, आध्यात्म की राह ना हो और दूसरों की परवाह न हो, वो जीवन निरर्थक है। आदरणीय देवियों और सज्जन वृंद, आज का समय प्रतियोगिता का है, चुनौतियां हमारे सामने हैं, संघर्ष तो हमें करना होगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने और केवल भगवान का भरोसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। एक व्यापारी ने अपनी दुकान खोली, मुहूर्त किया, गणेश जी की पूजन की और आंखें बंद करके गणेश जी की प्रार्थना की, सच्चे दिल से प्रार्थना की। गणेश जी प्रकट हो गए, बोले, बच्चे क्या मांगता है मांग। व्यापारी है, दुकान तो खोली थी, गणेश जी सामने हैं, उसने कहा जो चाहूँ से मांग लूँ। अपने व्यापार की प्रगति का एक सूत्र से सूझा, उसने कहा गणेश जी एक ही वरदान देंगे, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे एक BMW कार दे दीजिए। BMW कार, भाई बिजनेस तरक्की करेगा उससे खूब कमाएगा तभी तो BMW कार आएगी। गणेश जी समझ गए कि मेरा भक्त मेरे से चतुर है, बोले भक्त तूने मांगा तो है, देने का मन भी होता है,
पर मांगने के पहले ये तो सोच लिया होता कि यदि मैं तुझे BMW कार दे सकता होता तो मैं क्यों उस चूहे पर बैठकर घूमता होता। केवल भगवान से मांगने और भाग के भरोसे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपके सामने इस चुनौती को प्रस्तुत करते हुए, समाधान के लिए प्रेरणा देते हुए, आत्मचिंतन का बोध कराते हुए और मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हुए इन दो पंक्तियों के साथ आपसे अनुमति लेना चाहता हूं कि अब आपने दीपक देखा, कल हमने एक दीपक प्रज्वलित किया था। यहां आने वाले समय में हमें सशक्त बनना होगा, संघर्ष करना होगा, उसमें विजयी बनकर उभरना होगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। आने वाले समय में अब यदि हम इस समाज में प्रकाश फैलाना चाहते हैं तो क्या करना होगा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला और जिस दिए में जान होगी वो दिया बच जाएगा, वो दिया रह जाएगा। धन्यवाद।